बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफा जहां फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहां यूट्यूब चैनल। सो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज बेसिकली द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि इस वाली लेक्चर वीडियो से पहले वाली लेक्चर वीडियो में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब इसमें बेसिकली चार डिसऑर्डर्स थी, दो दो करके हमने डिवाइड कर ली। आज हमने इनकी लास्ट डिस्कस करनी है डिसऑर्डर और सेकंड लास्ट डिसऑर्डर डिस्कस करनी। ठीक है, मूवन करते हैं फर्दर, वहां से जो है वो स्लाइड देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से डिसऑर्डर को आज डिस्कस करना है। आज हमने बेसिकली एस्थमा को डिस्कस करना है, ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। दूसरी हमने जो डिसऑर्डर डिस्कस करनी है दैट इज एम्फिसीमा, और ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, सबसे पहले एस्थमा को डिस्कस करने से पहले टंटना यहाँ आ जाए आप, और ये है आपके साथ इस की डायग्राम। और जब आप डायग्राम समझ आएंगे ना तो बेटा आपको पूरी पूरी बीमारी समझ आ जाएगी, क्योंकि इसमें होता ये है कि मैंने आपके साथ दो लंग्स दिखाए, एक मैंने नॉर्मल लंग दिखाया हुआ है और यहाँ ये शो कर रहे हैं अनहेल्दी लंग्स, या वो लंग जो कि एस्थमेटिक लंग है, या वो लंग्स जो कि एस्थमा के पेशेंट का लंग है वो दिखाया गया। अब इनमें क्या डिफरेंस है नॉर्मल लंग्स में और एस्थमेटिक लंग में क्या डिफरेंस है? बेसिकली ऐसा है कि इनमें जो ब्रोंकियोल्स हैं उनके अंदर जो म्यूकस है वो नॉर्मल है। ठीक है, इसी वजह से ये ओपन है, इसमें से इजीली जो है वो एयर वे है, इजीली जो है वो एयर पैसेज वे बना हुआ है और आसानी से एयर गुजरती है। लेकिन अगर आप एस्थमेटिक लंग को देखें तो उनमें क्या हुआ कि जो ब्रोंकियोल्स की दीवारें हैं वो बहुत ही सुकड़ गई हैं और बहुत जो एरिया है वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर म्यूकस बढ़ गया। ठीक है, अब म्यूकस बढ़ गया और इनकी लाइनिंग जो है वो तंग हो जाती है, जिसके बाद स्पेस नहीं मिलती, सरफेस एरिया नहीं मिलता एयर पैसेज वे को, या फिर आप कह सकते हैं एयर को पास होने के लिए। तो यही बीमारी है जिसमें थोड़ी सी ब्रोंकियोल्स में पस भर जाती है। ठीक है, अब ये होती क्या है, इसके वजूहत क्या है, इनमें क्या चीज़ें। एस्थमा की बात करें ना बेटा, आपको पता है कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एस्थमा जो है वो सांस की रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, उसके बाद जो एस्थमा होता है ना, एस्थमेटिक पेशेंट को ना एकदम सांस फूल जाता है। ठीक है, और उसको अटैक आते हैं, पैनिक अटैक नहीं होते, इसको हम कह सकते हैं कि उनको अटैक्स होते हैं, जिस तरह वो सांस लेने में उनको दुश्वारी होती है। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इनको होता है अटैक होता है, जिसमें वो सांस नहीं प्रॉपर खींच सकते, फिर उनको जो है वो आप कह सकते हैं इनहेलर की जरूरत होती है, फिर जिनके बाद उनका सांस जो है वो बहाल हो जाता है। अब इसको कहते हैं कि इसको एस्थमेटिक अटैक हुआ। ठीक है, सो आप अपने जो जनरल नॉलेज होगा आपका वो यही होगा इस डिजीज से रिलेटेड, कि कुछ पोल्यूटेंट्स जैसा कि आपने सुना होगा पोलन ग्रेन हो गया, स्पोर्स हो गया, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स जो एयर पोल्यूटेंट माने जाते हैं, उनका सांस के जरिए से लंग्स में जाना ये बीमारी कॉज करता है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि इसमें सांस लेने में मुश्किलात होती हैं। अब हम बेसिकली इनके पॉइंट्स को रीड आउट करते हैं, ताकि ये बीमारी आपके साथ कुछ अगर नॉलेज आपके पास अच्छा पक्का है तो वो पक्का हो जाए। ऐसा है कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इसमें डिफरेंट जो है वो अटैक होते हैं जिसमें सांस लेने में दुश्वारी आती है। अच्छा, कहते हैं ना कि इस बंदे का सांस उखड़ गया, सांस उखड़ गया का मतलब है कि उसको एक टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। अब ये कुछ खास पीरियड के लिए होता है, उसके बाद इसको कम्प्लीट रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि आप अगर इनहेलर यूज करते हैं उसके बाद ये जो है वो आप इसको रिक्योर कर सकते हैं, आप अपनी जो सिचुएशन है उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि अगर हम कि रूट कॉज को समझें, वजह को समझें, तो ये एक एलर्जिक बीमारी है, क्योंकि ये एलर्जी से होती है, और ये एलर्जी डिफरेंट चीज़ों से हो सकती है। मोस्टली जो है वो एलर्जी पोलन से होती है, स्पोर से होती है, कोल्ड ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा अगर नमी है, या फिर आप कह सकते हैं स्मोग है, ये स्मोक है, ठीक है, उसमें भी आपको ये फिर अटैक हो सकते हैं, या फिर ये वो वजह बन सकते हैं। क्योंकि कुछ पोल्यूशन जिसको एयर पोल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ एयर पोल्यूटेंट जो कि आप इनहेल करते हैं उसके बाद भी आपको एस्थमा हो सकता है, क्योंकि वो एयर पोल्यूटेंट्स जाके आपकी बॉडी में जाके ये लंग्स में जाके उसको इफेक्ट करते हैं। किसको इफेक्ट करते हैं? उसको मैंने कह दिया, किसको इफेक्ट करते हैं भाई? वो ब्रोंकियोल्स को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो ब्रोंकियोल्स की ट्यूब्स हैं उनको वो नैरो कर देते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, उनकी कंट्रैक्शन हो जाती है। जैसे ही वो कंट्रैक्ट करती है उनकी वॉल्स, तो वो सुकड़ जाती है, सुकड़ती है तो सरफेस एरिया काम हो जाता है। ठीक है, उसमें पस भर जाती है, सरफेस एरिया काम होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, कहते हैं कि हमने कह दी थी पस भर गया, अब हमने जरा उस पस की नौयत देखनी है कि वो क्या होती है। कहते हैं कि अब ये क्यों कंट्रैक्शन हो जाती है, क्यों इनमें स्पेस काम हो जाती है ब्रोंकियोल में, वो ऐसा है कि कुछ ऐसे केमिकल्स जो हैं वो फिर सिक्रीट होना शुरू कर देते हैं, या उनमें इन्फ्लेमेटरी आ जाते हैं, कुछ ऐसे केमिकल जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। और उन केमिकल में आपकी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है हिस्टामाइन, और जो हिस्टामाइन्स हैं ये कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स हैं जो कि रिलीज होते हैं इस बीमारी में, या फिर एस्थमा के रिजल्ट में ये कुछ रिलीज होते हैं, जो कि आपके ब्रोंकियोल्स में जाके फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और उसके बाद उनकी जो कंट्रैक्शन होती है नैरोइंग हो जाती है, पाइप पैसेज वे जो है वो सुकड़ जाता है, जिसके बाद जो है वो हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, सांस में प्रॉब्लम होती है।
होती है उसको एस्थमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट डिसऑर्डर डिस्कस करनी है, जो कि हमारी लास्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है इस टॉपिक की, वो है एम्फिसीमा। अब एम्फिसीमा को समझने से पहले ना मैं आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगी बीमारी है कि, फिर हम कुछ पॉइंट्स रीड आउट कर लेंगे तो मजीद अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, एम्फिसीमा की बात करें तो एम्फिसीमा में बेसिकली जो एल्वियोलाए हैं, एल्वियोलाए तो बच्चे बच्चे को भी पता होगा एल्वियोलाए क्या है, ये बेसिकली जो पूरे का पूरा लंग है ना ये एल्वियोलाए से ही मिलके बना होता है। और एल्वियोलाए की और बात करें तो ये एक रेस्पिरेटरी सरफेस है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होनी होती है, तो बहुत सारी एयर सैक्स भी आप इसको कह सकते हैं, तो बहुत सारी एयर सैक्स जो है वो लंग्स में मौजूद होती हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं लंग्स की और फिर वहाँ से गैसेज एक्सचेंज करवा देते हैं। अब वो पेशेंट जो कि जिसको बीमारी है एम्फिसीमा की, उसमें क्या होता है कि उनमें जो ये नॉर्मल एल्वियोलाई होते हैं जिनमें काफ़ी सारे आपको पार्टीशन नजर आ रही है, पोर्शन बने हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी सारे एल्वियोलाई को गुच्छा नजर आ रहा है, लेकिन उनमें क्या होता है कि काफ़ी सारे जो एल्वियोलाई करीब होते हैं जिनका गुच्छा होता है उनकी जो सेंटर वॉल होती है ना वो ब्रस्ट कर देती है। जैसे ही उनकी सेंटर वॉल ब्रस्ट होती है तो उनमें ना आप कह सकते हैं सरफेस एरिया कम हो जाता है। अब आप कहेंगे हैं ये तंग सा है यहाँ तो सरफेस एरिया बढ़ गया, नहीं ऐसा नहीं है, जितनी लाइनिंग होगी एल्वियोलाई की उतनी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, क्योंकि एल्वियोलाई की जो दीवारें हैं वो रेस्पिरेटरी सरफेस मानी जाती हैं जहाँ गैसेज एक्सचेंज होनी होती है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, जगह जरूर खुली हुई है लेकिन इनमें क्या हुआ कि लाइनिंग जो है वो हमें कम नजर आ रही है, एल्वियोलाई की जो दीवारें हैं वो कम नजर आ रही हैं, सरफेस एरिया एल्वियोलाई का बढ़ गया, लाइनिंग कम हुई, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब रेस्पिरेटरी सरफेस कम होगी जिसके बाद सांस लेने में मसला होता है। अब सांस लेने में मसला होता है तो हम कहते हैं कि ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है उस बंदे को जिसको एम्फिसीमा बोलते हैं, समझ आ गई। यही चीजें हैं, अब मजीद हम इसको रीड आउट कर देते हैं ताकि कोई एक आज पॉइंट मैं नहीं बता सकूं या फिर कुछ ऐसी डिटेल जो आपको मजीद इस डिजीज रिलेटेड पता होनी चाहिए जो आपकी बुक में मेंशन है वो मैं बता दूं। एम्फिसीमा की बात करें बेसिकली इसमें ब्रेक डाउन होती है एल्वियोलाई की, या फिर स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं एल्वियोलाई की दीवारों को अब ब्रेक डाउन का सामना करना पड़ता है। उसके बाद ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि स्मोकर्स में आम होती है। अच्छा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करें ना तो इसमें हम स्मोकिंग का या स्मोकर्स का बहुत जिक्र करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो, लंग कैंसर को तो छोड़ दो, कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो उसमें बहुत आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो स्मोकिंग की होती है, ठीक है, सिगरेट की होती है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था तंबाकू उसमें कुछ ऐसे 10 किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि ये वजह बनते हैं इनकी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। उसके बाद कॉजेज की तरफ आते हैं, ठीक है, कहते हैं कि कुछ ऐसे स्मोक करने वाले हजरात जिनको स्मोकर्स बोलते हैं, ठीक है, वो जो स्मोक इनहेल कर रहे होते हैं ना उनमें बेसिकली कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो उस धुएं में जो कि तंबाकू का धुआं माना जाता है आफ्टर स्मोकिंग, ठीक है, वो जब इनहेल करके अपनी लंग्स के अंदर लेके जाते हैं ना वो वीक कर देते हैं वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, समझ आ गई। अब सबसे पहले ना समझो आपकी जल्दी मोटी, ठीक है, अब आप स्मोकिंग करते हैं आप अपने बॉडी में या आप लंग्स में बहुत बार आप कह सकते हैं कि जो स्मोक है तंबाकू स्मोक उसमें कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हार्मफुल हैं वो आप भेजी जा रहे हैं जिसकी वजह से मतलब पैसेज ऑफ टाइम एल्वियोलाई की जो वॉल्स है वो वीक हो जाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा ब्रस्ट कर देंगे एल्वियोलाई की वॉल, जिसके बाद सर्फिस एरिया कम हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि आप जो स्मोक कर रहे होते हैं कि वो हज़रात जो स्मोकिंग करते हैं उनके स्मोक में कुछ ऐसे इरिटेंट सब्सटेंसेस आते हैं, बहुत ध्यान से लाइन समझिएगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, कुछ ऐसे इरिटेंट सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो कि अगर वो बंदा इनहेल कर ले ना तो उसको खांसी की वजह बनती है। तो उसमें क्या होता है स्मोकर्स जो है वो बहुत जोर से खांसी करते हैं, इवन इतनी जोर से खांसी करते हैं कि उनके लंग्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, वजन पड़ता है या फिर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई की वॉल जो है वो ब्रस्ट हो जाती है, और जैसे एल्वियोलाई की वॉल ब्रस्ट करेंगी एम्फिसीमा की बीमारी हो जाएगी। अब जितनी ही आप कह सकते हैं रिड्यूस होगी लंग्स की सर्फेस उतनी ही आप सकते हैं एब्जॉर्बिंग जो है वो कैपेसिटी खो देता है लंग्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम मजीद डिटेल डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि वो पर्सन जिसको एम्फिसीमा है उसमें एक ये चीज होती है कि उसका ब्लड जो है वो प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाता। क्यों प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड नहीं होता? क्योंकि एल्वियोलाई की सरफेस एरिया कम हो गई, कम सरफेस एरिया मतलब कम एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, कम एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन होगी तो कम जो है वो ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो रही है। इसका मतलब जो एम्फिसीमा का कोई पेशेंट है उसमें जो ब्लड है वो कम ऑक्सीजनेटेड होता है, समझ आ गई। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि इनमें क्या होता है कि ब्रीथलेस सांस लेने में दुश्वारी आती है, ठीक है, वो बड़ा बेचैनी महसूस करता है, घुटन महसूस करता है इस कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि जब ब्लड को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो
अब ये सिम्टम्स होंगे, सांस लेने में मसला हो रहा था, इंसान जो है वो जोर जोर से सांस खींचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर लेके जाऊँ, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और वो जितनी तेजी से ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करेगा, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस बंदे को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करता है ताकि ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल उसको मेंटेन किया जाए। सो अब मैं आपको इस स्लाइड के सेकंड पॉइंट समझाती हूँ, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो एम्फिसीमा वाला पेशेंट है ना, उसमें बेसिकली आप कह सकते हैं एल्वियोलाई की जो वॉल्स एंड ब्रस्ट होती है ना, तो आपको बेसिकली लग रहा होगा दिखने में कि सरफेस एरिया बड़ा, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो सरफेस एरिया कम हुआ, क्योंकि जितनी दीवारें होंगी उतनी सरफेस एरिया बढ़ेगी, उतनी एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इनमें क्या हुआ कि सरफेस एरिया तकरीबन कम होने के बराबर हो गई, ठीक है। अब जितनी सरफेस एरिया रिड्यूस होगी उतनी आपको पता है कि जी सरफेस एरिया रिड्यूस तो ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन कम होगी, तो सांस लेने में मसला, ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता। इनमें आप कहते हैं ब्रोंकियोल्स में भी आप कह सकते हैं कि कोलैप्स देखने को मिलता है, जिसके बाद क्या होता है कि जो एयर ट्रैप रह जाती है और वो जो एल्वियोलर सैक्स में एयर ट्रैप रह जाती है, वो भी फिर मसला बनता है। यही एक कॉज है कि उनमें जो जिस पेशेंट को एम्फिसीमा है उनके जो एल्वियोलर सैक है उसमें फंसी रहती है, ठीक है, क्योंकि कुछ सर्फेस एरिया ही नहीं है जो जहाँ से वो अब्जॉर्प्शन कर सकती है, उनको तो एयर जो है वो यहाँ घूमती घूमाती रहती है क्योंकि सर्फेस एरिया नहीं, सर्फेस एरिया होगी तो अब्जॉर्प्शन होगी, वरना कोई फायदा नहीं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ कि जो एम्फिसीमा का पेशेंट है ना, उनमें जो एल्वियुलर वॉल है वो कम हो जाती है या फिर वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, उनमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। जैसे ही उनकी वॉल्स ब्रस्ट करेंगे छोटे छोटे एल्वियुलाई मिलेंगे तो बड़ा एल्वियुलाई बनेंगे, ये एल्वियुलाई का गुच्छा था लेकिन ये बड़ा एल्वियुलाई है, तो एल्वियुलाई बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये लास्ट स्लाइड है जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, वो पॉइंट्स ये हैं, कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि एल्वियुलाई कम हो जाते हैं, ठीक है, कम एल्वियुलाई जो है उसमें ये है कि सर्फेस एरिया जो वो कम हो जाता है लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। सो सर्फेस एरिया डिक्रीज होता है इस कंडीशन में एम्फिसीमा की लंग्स में, लेकिन वॉल्यूम उनमें एल्वियोलाई में ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, फिर कहते हैं कि अब आप क्या कहेंगे कि इस कंडीशन में सांस नहीं लिया जा सकता, बंदा मर जाएगा, नहीं, मुश्किल होगी, कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर होंगी, लेकिन अगर आप देखेंगे बड़ा एल्वियोलाई है तो इसकी इर्द गिर्द जो दीवारें हैं ना, तो वो भी आप कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन तो कर सकती है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो लार्ज एल्वियोलाई है वो स्टिल वेंटिलेशन कर सकता है, वो वेंटिलेटेड हो सकता है, क्योंकि वो सर्फेस एरिया तो है, हाँ सर्फेस एरिया काम हो गई है, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन एब्जॉर्प्शन तो फिर भी हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं वो फिर लेकिन इतनी ज्यादा नहीं सर्फेस एरिया होती कि जो हमारी नीड है गैसे एक्सचेंज उसको कंप्लीट किया जा सके, ठीक है, एक ये बात है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एयर स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, प्रॉपरली काम नहीं किया, जो मुनासिब काम है ना, काम करने की सलाहियत जो है वो काम हो जाती है, तो काम होती है, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि बिल्कुल डेथ नहीं हो जाती, जरा आप कह सकते हैं ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन में कमी वाकई हो जाती है। अच्छा, यही था हमारा आज के लेक्चर जिसमें हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स थे उनको डिटेल से डिस्कस किया। इससे रिलेटेड अगर आपने कुछ भी पूछना हो आप बिला जी से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और हाँ अगर आपको समझ आई हो तो जरूर आप अप्रिशिएट कीजिएगा, कोई आपने सजेशन देनी आप वो भी दीजिएगा। मुझे बच्चे ने कहा कि जी मैम आप थोड़ा स्लो बोला करें, बहुत फास्ट बोलती हैं, मुझे बस ये प्रेशर होता है मेरे माइंड में कि वीडियो जो है वो छोटी बनानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बच्चे देखते नहीं, ठीक है, अगर आप देखेंगे नहीं, फायदा नहीं उठाएंगे तो मेरी मेहनत का फायदा, ठीक है। सो ये थोड़ा मेरे माइंड में होता है, लेकिन मैं मजीद इस पे वर्क कर रही हूँ कि मैं थोड़ा स्लो बोलूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली भी थोड़ा स्पीड से बोलती हूँ। एनीवेज, अच्छा आपने क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस करनी, ताकि इस चैनल रिलेटेड मजीद जितनी भी नोटिफिकेशन हो वो आपको बर वक्त मिलती जाए। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।